दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवार। वाकई बच्चे ना मन के बड़े सच्चे होते हैं, ऊपर से आजकल के बच्चे तो और ही हैं। उद्धव सरकार गिराने के बाद महाराष्ट्र के नई नवेली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से एक बच्ची ने सबके सामने कुछ ऐसा पूछ लिया जिसके जवाब में वो खिलखिला तो उठे, लेकिन भीतर तो वो खुद ही जानते हैं कि उन्हें क्या महसूस हुआ होगा। इस बिटिया ने महाराष्ट्र के नई नवेली सीएम से बड़ी मासूमियत में पूछ लिया, शिंदे अंकल आप अगली बार मुझे भी गुवाहाटी लेकर जाओगे? आपकी तरह मैं भी गुवाहाटी जाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करूं तो क्या मैं सीएम बन सकती हूं? बच्ची के इस मासूम सवाल पर सीएम और उनके आसपास के लोग हहाके लगाने लगे। अब बेचारी बच्ची को कौन बताए कि जिनसे वो ये सवाल पूछ रही है वो गुवाहाटी बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने के लिए नहीं, खुद अपनी सरकार गिराकर खुद ही मुख्यमंत्री बनने के लिए गुवाहाटी गए थे और उसके बाद बन भी गए। तो गुवाहाटी में अगर बच्ची ये सोच रही है कि वहां जाके बाढ़ पीड़ितों की मदद करके वो सीएम बन जाएगी, तो मुख्यमंत्री को आज ही बेचारी बच्ची को बता देना चाहिए कि बेटा बाढ़ पीड़ितों की मदद करने से सीएम नहीं बनते, सीएम तो जुगाड़ से बनते हैं। लोगों ने बच्ची की इस मासूमियत और सीएम शिंदे की फजीहत पर कटाक्ष करते हुए कहा, ना समझ बच्ची को कौन समझाए कि शिंदे अंकल समाज सेवा करने के लिए गुवाहाटी नहीं गए थे, बल्कि अपना ईमान अपनी जमीर का सौदा करने के लिए लोकतंत्र के बाजार में गए थे। खैर उम्र के साथ सीख ही जाएगी। कोई बच्ची को बताए कि सीएम साहब गुवाहाटी में क्या करने गए थे? रोशन लिखते हैं, मुख्यमंत्री को ट्रोल कर दिया इतनी छोटी उम्र में। आप एक बच्ची के द्वारा की गई सीएम की ऐसी फजीहत पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों हमारे फ्री जर्नलिज्म को असली सपोर्ट तब मिलता है जब आप थैंक्स के ऑप्शन को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।